माहिरे कानून है महमूद सदोजई, आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर डॉन न्यूज को वक्त देने के लिए। एक आज अहम फैसला आया है केस में अक्सरियती 8 जजेस के बेंच का फैसला 4 सफात पर मुश्तमिल है और मखसूस नशिस्तों में अक्सरियती बेंच का ये तहरीरी फैसला जारी किया गया है, क्या कहेंगे सर आप इस पर? इसमें देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हम हर चीज में एक ऐसी ऐसी वजाहतें मांगते हैं जैसे को बहुत ही इमैच्योर किस्म के लोग काम कर रहे हैं। 12 जुलाई का ये फैसला आया था और इसमें तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन कर दी, उन्होंने कहा है कि जी मखसूस नशिस्तें जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है मखसूस नशिस्तों की उनकी उन लोगों के साथ है जिन्होंने मेजॉरिटी वोट ली है और पीपल्स पार्टी को उन्होंने बैरिस्टर गौर के स्टेटस का तयन किया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है तो वो ऐसे है कि जैसे जिद कहते हैं या इनकॉम्पिटेंस, इन दो में से एक बात है, या तो वो इस कदर नाअहल लोग बैठे हुए वहां पे जिनको ये भी नहीं पता कि जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन कर सकती है, और इंटरप्रिटेशन की जो प्रोविजन है वो वैसे भी हमारे यहाँ जो कानून के तालिबे इल्म है वो जानते हैं कि स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन दो तरह से होती है, या ये लिटरल स्क्रिप्टा होती है या लिटरल एजेस होती है। अगर ये लिटरल स्क्रिप्टा हो तो सिंपल स्क्रिप्ट सामने रख लें जो स्टैट्यूट का है और उससे आप इंटरप्रिटेशन करें तो कोई उसमें जो है ना वो एम्बिग्युटी पैदा नहीं होती, लेकिन अगर कोई स्टैट्यूट एम्बिग्युस हो तो फिर लिटरल एजेस होता है, उसकी लेजिस्लेटर की एक एक नियति है, उसकी इंटेंशन किस बात पे कानून साजी कर रहा है उससे वादे हो जाता है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये इसको इलेक्शन कमीशन को बहुत पहले इस फैसले पे मन वन अमल कर लेना चाहिए था उस गाइडलाइन की रोशनी में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको प्रोवाइड की थी। अब अगर वो उस कानून साजी पे या उस जजमेंट पे जो डिलीवर हुई थी वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी मैलाफाइडी है और मैलाफाइडी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कंपोजिशन है इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा जो 4 मेंबर होते हैं बेसिकली और इस वक्त भी जो बैठे हुए दे आर द रिटायर्ड जजेस, और उन जजेस को पता है कि इंटरप्रिटेशन क्या है, लेकिन वो जानबूझ के इनकी मैलाफाइडी है और गालिबन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मैलाफाइडी है कि वो जनाबे वाला बार 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 इंटरप्रिटेशन और बात नहीं होती तो फिर कहते हैं जी अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगी। बाबा इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सीजनल लोग बैठे हुए हैं, आप इस तरह की जो हरकतें करते हैं वो हर पढ़ा लिखा कानून का तालिबे कानून को जानने वाला ये समझता है कि मैं बदनीयती है और इसमें जो है ना आप बोनाफाइडी नहीं बल्कि मैलाफाइडी है आपके यहाँ। तो ये अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल वैसे ही होना चाहिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।